हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम अपनी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास करेंगे आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट डिजिट चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं हमारी डिजिट्स होती हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड जीरो ये सभी क्या है हमारी डिजिट्स हैं अगर हम बात कहें हमारी जो डिजिट्स हैं जीरो वन फाइव सिक्स इन डिजिट्स को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये सेम मल्टीपल प्रोवाइड करेंगे इस बात का मतलब क्या हुआ जैसे कि अगर हम बात कहें कि सात की पावर 755 बार करनी है तो अगर मैं इस बात को समझूं कि इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब है कि सात इंटू सात सौ इक्यासी इंटू सात सौ इक्यासी इंटू सात सौ इक्यासी अप टू सात सौ पचपन बार इसका मतलब कि सात सौ इक्यासी की मल्टीप्लाई सात सौ पचपन बार करनी है मुझे तो इसका मतलब कि वन इसका यूनिट डिजिट क्या एक अंक का एक इसको जब एक से मल्टीप्लाई करें फिर एक से मल्टीप्लाई करें फिर एक से मल्टीप्लाई करें एक, एक एक की जब गुना करेंगे तो इसके गुना करने पर जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा उसके इकाई का अंक वन होगा इसका मतलब कि आप अगर इकाई का अंक एक है उसको कितनी मर्जी बार आप मल्टीप्लाई करो उसको कितनी मर्जी बार गुना करो तो उसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक एक ही होगा इसी तरीके से अगर हम बात करें मान लो हमने कहा कि 755 की पावर 800, इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इस बात का मतलब क्या है 755 गुना 755 अप टू 800 बार तो इसका मतलब कि आप अगर यहां से दिखा देखोगे पांच गुना पांच पच्चीस दैट इज पांच आया इकाई कांग फिर पांच का साथ गुना करोगे फिर भी पांच आएगा इसका मतलब कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक पांच है तो आप उसे जितनी मर्जी बार गुना करो उसका जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट दैट इज इकाई का अंक एक आएगा समझ में ये बात इसी तरीके से अगर आप जीरो की गुणा करोगे या छः की गुना करोगे तब भी आपका डिजिट यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा इज छः अगर है तो छः ही आएगा जीरो अगर है तो जीरो आएगा अब हम यूनिट डिजिट हमने कौन कौन से देख लिए एक देख लिया पांच देख लिया छ देख लिया और जीरो देख लिया ये वाले डिजिट्स हम देख चुके हैं अब हम देखेंगे डिजिट चार और नौ इनके रूल के बारे में पढ़ेंगे अच्छा एक बात अगर हम इसको डिटेल में सीखें चार के बारे में चार की पावर एक कितना होता है चार होगा चार की पावर दो दैट इज़ सोलह सोलह का इकाई का अंक क्या हुआ छ चार की पावर तीन छः को फिर से चार से मल्टीप्लाई करोगे चौबीस दैट इज़ इकाई का अंक चार चार की पावर चार इसका मतलब कि चार को फिर से चार से मल्टीप्लाई करो सोलह दैट इज़ छः चार की पावर पाँच फिर चार से गुना करो छः चौक चौबीस चार चार की पावर छः चार की फिर से गुना करो सोलह छः। तो अगर आप यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करो कि आप जो है पहले चार हैं फिर छः हैं फिर चार है फिर छः हैं फिर चार है फिर छः हैं इसका मतलब कि इसका जो पैटर्न है पैटर्न जो है वो कितनी संख्याओं का है दो संख्या का इसका मतलब कि हर दो संख्या के बाद वो बदलता है तो यहाँ से क्या हम ये बोल सकते हैं कि चार की पावर अगर कोई ओड संख्या है दैट इज विषम संख्या है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा उसके इकाई का अंक चार आएगा और अगर चार का जो पावर है वो इवन नंबर है दैट इज सम संख्या है तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा उसके यूनिट डिजिट क्या होगा छ होगा समझ में आई ये बात जैसे कि अगर हम बात करें सात सौ की पावर नौ सौ एक अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर जो इसका इकाई का अंक है वो कितना है चार चार की पावर चेक करो जो पावर है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है ये एक विषम संख्या है क्योंकि एक आया है लास्ट में तो एक अगर आया है विषम संख्या है तो इसकी रिजल्ट जो भी होगा आंसर क्या मैं कह सकता हूं उसका इकाई का अंक चार होगा इसी तरीके से अगर हम कहें आठ की पावर नौ तो अब देखो इसके यूनिट डिजिट क्या है चार इसकी जो पावर है वो क्या है एक विषम संख्या है विषम संख्या है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा चार और अगर ये मान लो चार सौ पैंस चार सौ चौसठ की पावर दो सौ बावन है तो ये कितनी है पावर एक सम संख्या है सम संख्या है तो इसका मतलब कि इसका जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा छ आएगा समझ में आई है ये बात अब हम इसी तरीके से नो का यूनिट डिजिट सीखेंगे अगर हम बात कहें नो की पावर एक कितना होगा नो नो की पावर दो कितना होगा इक्यासी इक्यासी का मतलब जो इकाई का अंक क्या है एक नौ की पावर तीन एक को नौ से फिर गुना कर दो नौ फिर नौ की पावर चार नौ नीम नीम क्या सी एक नौ की पावर पाँच दैट इज नौ नौ की पावर छः एक नौ की पावर सात नौ तो यहाँ से अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करें पहले आपका नौ है फिर एक है फिर नौ है, है फिर एक है फिर नौ है, है फिर एक है फिर नौ है फिर एक आएगा तो इसका मतलब कि यहां पर जो हमारा पैटर्न है वो कितने संख्याओं का है दो संख्याओं का पैटर्न है मतलब ये दो संख्याओं के बाद चेंज होता है तो इसका मतलब कि अगर नो की पावर कोई ओड नंबर है दैट इज विषम संख्या तो उसका जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा नो आएगा और अगर जो नो की पावर है इवन नंबर है दैट इज सम संख्या है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा उसका यूनिट डिजिट एक आएगा जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि पाँच सौ नवासी की पावर सात सौ इक्यानवे तो अब यहाँ पर जिसकी हम चेक कर रहे हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है नो और इसकी जो पावर है वो क्या है एक ओड नंबर है ओड नंबर है तो इसका मतलब कि इसका जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा नो आएगा इसी तरीके से अगर मैं बात कहूँ चार सौ निन्यानवे की पावर पाँच सौ तो ये इसकी पावर कितनी है एक सम संख्या है दैट इज इवन नंबर तो ये जो इसका रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा एक आएगा समझ में आई है बात जो अभी तक हमने सीखा है उसमें सबसे पहले हमने सीखा एक का पांच का छ का और जीरो का ये सेम मल्टीपल वाले थे जिसमें जब हम इनकी कितनी भी बार गुना करते हैं तो आंसर वही डिजिट आएगा फिर चार और नौ का भी सीख लिया हमने अब हम सीखेंगे दो तीन सात और आठ इसके बारे में हम सीखने वाले हैं पहले हम देखते हैं दो का जो है उसका डिटेल चेक करते हैं दो की पावर एक कितना आएगा दो दो की पावर दो कितना आएगा चार दो की पावर तीन कितना आएगा आठ दो की पावर चार कितना आएगा सोलह सोलह का मतलब डिजिट कितना हुआ दो की पावर पाँच छः दोनी बारह दैट इज़ दो फिर दो की पावर छः दो की दो से फिर से गुना करो चार दो की पावर सात आठ दो की पावर आठ सोलह दैट इज छ तो अगर आप यहां से चेक करोगे तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इसका जो पैटर्न है वो दो चार छ यहां पर फिर दो चार आठ छः यहां पर फिर आगे सेम इसी तरीके से बदल रहा है तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो पैटर्न है पैटर्न चार टर्म्स के बाद रिपीट हो रहा है चार संख्याओं के बाद इसका पैटर्न रिपीट हो रहा है इसका मतलब के जब हमें कोई पावर दी होगी अगर पावर को हम चार से भाग दें तो रिमाइंडर चेक करेंगे अगर रिमाइंडर हुआ एक तो कितना आंसर आएगा दो रिमाइंडर अगर एक आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा रिजल्ट का दो अगर रिमाइंडर दो आता है तो कितना आएगा चार और अगर तीन आता है तो आठ और अगर जीरो आता है तो क्योंकि चार की जब चार से भाग करोगे तो रिमाइंडर तो जीरो होगा तो इसका मतलब कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसका मतलब कि उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा छ आएगा जैसे कि अगर हम बात करें दो की पावर पांच इसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि पावर को हम चार से भाग देंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक बात देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल में चार का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम कि जो चार की संख्या है चार से भाग कौन सी होती है अगर उसके लास्ट टू डिजिट चार से पूरे पूरे भाग होते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम लास्ट के दो डिजिट्स को चेक करते हैं क्या यहाँ पे चार से भाग करके कितना रिमाइंडर आता है तो यहाँ पे चार से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा एक चार दुनिया आठ और चार से जीरो जाएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा अब अगर रिमाइंडर एक है तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा टू रहेगा अब अगर हम बात कहें एग्ज़ाम्पल एक और लेके चलते हैं हम मान लो हमने जो है संख्या ली पाँच पाँच सौ बहत्तर की पावर चार सौ तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ देखो चार से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता है शेषफल कितना आता है जीरो अगर शेषफल जीरो है तो इसका मतलब कि जब शेषफल जीरो है तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा छे इसका मतलब के जब आप इसको सोल्व करोगे तो उसका इकाई का अंक कितना होगा छ आएगा यह बात समझ में आई है इसी तरीके से हम अब तीन का डिविजिबिलिटी तीन का इसी तरीके से हम अब तीन का चेक करते हैं तीन की पावर एक दैट इज़ तीन तीन की पावर दो नौ तीन की पावर तीन नौ है सताईस दैट इज़ सात तीन की पावर चार सात तीय इक्कीस दैट इज़ एक तीन की पावर पाँच एक गुना तीन 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 की पावर छः दैट इज़ तीन तिया नौ तीन की पावर सात नौ तीए सताईस दैट इज़ सात तीन की पावर आठ सातीय इक्कीस दैट इज एक इसका मतलब के यहाँ पर अगर हम पैटर्न चेक करें इसके पहले चार संख्या फिर चार संख्या फिर आगे वाली चार संख्या इस तरीके से चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पर पैटर्न क्या आ रहा है हमारा पैटर्न आ रहा है हर चार संख्याओं के बाद हर चार टर्म्स के बाद हमारा जो संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब कि पिछले जो हमने पढ़ा था दो का रूल वो यहां पे भी लगेगा जो इसकी पावर है पावर को हम चार से भाग देंगे डिवाइड करेंगे और भाग देने पर अगर उसका शेषफल एक आता है तो इसका मतलब कि जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा तीन और अगर दो आता है शेषफल तो नो no. तीन आता है तो सात चार आता है तो दैट इज शेष फल अगर जीरो आता है तो एक समझ में आई है बात इसी तरीके से हम जो है सात का देखते हैं सात की पावर एक कितना आएगा सात सात की पावर दो उनंजा दट इज़ नौ सात की पावर तीन नौ सतः तिरसठ दट इज़ तीन सात की पावर चार तीन सते इक्कीस एक सात की पावर पाँच एक गुना सात 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 की पावर छः सात गुना सात उनचा दट इज़ नौ सात की पावर सात नौ सत तिरसठ तीन सात की पावर आठ तीन सत इक्कीस एक इसका मतलब कि यहाँ पर जब हम पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पर भी पैटर्न चार चार संख्याओं के बाद बदल रहा है तो यहाँ पैटर्न क्या है हमारा पैटर्न आ रहा है चार टर्म्स चार चार संख्याओं के बाद वो बदल जाता है दैट इज अगर हमारा शेषफल दैट इज रिमाइंडर रिमाइंडर जो है अगर एक आता है तो उसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर रिमाइंडर एक है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा सात अगर रिमाइंडर दो है तो कितना होगा नो no. अगर रिमाइंडर तीन है तो आएगा तीन अगर रिमाइंडर जीरो है तो आएगा एक तो अगर हम कोई एग्जाम्पल लेके देखें यहां पर मान लो हम कहते हैं पांच सौ सतानवे की पावर चार सौ बानवे है इसको हमें सोल्व करना है तो हमने अभी देखा था चार से भाग करना है क्योंकि चार चार संख्याओं के बाद पैटर्न चेंज हो रहा है तो चार से भाग अगर देंगे तो लास्ट के टू डिजिट्स को चार से भाग दे देते हैं हम चार से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा चार दुनिया आठ चार तीन बारह तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना बचा मेरा रिमाइंडर बचा मेरा जीरो और अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट का आंसर कितना होगा एक इसका मतलब कि इसका जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उसका यूनिट डिजिट वन होगा इसी तरीके से हम जो है अगर एक, एक और एग्जाम्पल लेके देखें मान लो 107 की पावर तीन सौ है इसको मुझे सोल्व करना है तो पावर को चार से भाग दो चार में छत्तीस तीन चार अठे बत्तीस तो शेषफल क्या आएगा दो इसका मतलब कि इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा नौ तो इसका मतलब कि इसके इकाई का अंक क्या रहेगा नौ आएगा समझ में आई है ये बात इसके बाद हम चेक करेंगे आठ का रूल आठ के रूल में अगर हम देखें आठ की पावर एक कितना होता है आठ आठ की पावर दो कितना होगा चौंसठ दैट इज़ चार आठ की पावर तीन चार को आठ से भाग करेंगे बत्तीस दैट इज़ दो आठ की पावर चार दो अठे सोलह छः आठ की पावर पाँच छः अठ अड़तालीस आठ आठ की पावर छः अठू अट्ठू चौंसठ दैट इज़ चार आठ की पावर सात चार अठे बत्ती दो आठ की पावर आठ दो अठे सोलह छ और इसी तरीके से आगे भी चलता चला जाएगा तो अगर हम यहाँ चेक करें तो हमारा जो है पैटर्न चार चार संख्याओं के बाद बदल रहा है दैट इज़ सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि इसका पैटर्न क्या कहता है हमें इसका पैटर्न कहता है कि चार टर्म्स के बाद इसका रिपीटिशन आएगा तो इसका मतलब कि अगर जो पावर है पावर को चार से भाग देने पर अगर रिमाइंडर बचता है एक तो जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आठ अगर पावर रिमाइंडर बचता है दो तो कितना होगा चार अगर बचता है तीन तो दो और अगर चार बचता है तो छः जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें चार बचता है मतलब कि चार को जब चार से भाग करेंगे तो जीरो चार रिमाइंडर का मतलब है कि चार सौ को अगर चार से भाग करेंगे तो फिर से वो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा दैट इज़ अगर रिमाइंडर जीरो बचता है तो आंसर कितना आएगा छः तो इसका मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ मान लो आठ सौ अड़तालीस की पावर एक हज़ार पचास इसको मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे इसके लास्ट के टू डिजिट्स को आप चार से भाग करो चार से भाग करने में कितना आता है चार एकम चार एक जीरो चार दूनी आठ भाग शेष फल कितना बचा दो दो बचा तो इसका मतलब कि जो इसका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा चार एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम मान लो हमने लिखा एक हजार आठ की पावर बारह हजार नौ सौ अड़तालीस इसको सॉल्व किया हमने तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी पावर को हमने चार से भाग दिया पूरा पूरा भाग हो गया दैट इज शेष फल जीरो शेषफल अगर जीरो है तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा समझ में आई है बात हाँ जी स्टूडेंट्स अभी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उसका यूनिट डिजिट का अंक इनमें से कौन सा नहीं हो सकता तो पहले तो हम देखते हैं कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं जब हम किसी भी संख्या के एंड में जीरो आएगा उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर में क्या आएगा उसके आंसर में जीरो आएगा एक अगर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा दो है तो चार तीन है तो दो का स्क्वायर करेंगे तो चार तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह दैट इज छः पाँच का स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस पच्चीस अगर है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हुआ पाँच छः का स्केयर करेंगे तो छत्तीस दैट इज़ छ सात का स्केयर करेंगे तो उनचास दैट इज नौ आठ का स्केयर करेंगे तो चौंसठ दैट इज़ यूनिट डिजिट चार नौ का स्केयर करेंगे तो इक्यासी दैट इज़ यूनिट डिजिट एक तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें इनमें से कौन सी संख्या स्क्वेयर करने पर नहीं आती जीरो भी आती है एक भी आती है दो कहीं पर भी नहीं आया इसका मतलब कि ना तो दो हो सकती तीन कहीं आया है ना तीन हो सकता सात चार आया हुआ है पाँच है छः है सात भी नहीं हो सकता आठ आठ भी नहीं हो सकता बाकी सारी संख्याएं आई हुई हैं इसका मतलब कि जब आप किसी भी संख्या का स्क्वेयर करते हो तो उसकी इकाई का अंक इनमें से इन चार डिजिट्स का नहीं हो सकता ना तो उसका यूनिट डिजिट दो होगा ना तीन होगा ना सात होगा ना ही आठ होगा तो आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है चार आठ नौ तो इसका मतलब के हमारा आंसर क्या है आठ तो इस ये जो है हमें याद भी रखना है कि जब आप किसी संख्या का स्क्वेयर करोगे तो आपका यूनिट डिजिट चार संख्याएं कभी भी नहीं हो सकती कौन कौन सी हैं दो तीन सात और आठ क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे हम कह रहे हैं वट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट वन हंड्रेड एंड इलेवन होल नंबर्स प्रथम एक सौ ग्यारह पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है अब आपको पता है होल नंबर्स कौन से होते हैं हमने लास्ट क्लास में देखा था होल नंबर्स कौन से होते हैं ये वो संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब ये कहां तक गई हैं? 111 सौ संख्याएं तक उनका योग निकालना है हमें <coughs> तो अगर उसका योग निकालना है तो उसमें जीरो एक दो तीन चार अप टू 111 संख्याएं। एक बात सोच के बताओ क्या जीरो इनके रिजल्ट में जब भी ऐड होगा तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा जीरो में एक ऐड होगा तो एक आएगा दो ऐड होंगे दो आएगा इसका मतलब कि जीरो अगर हम ऐड करते भी हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि एक से 111 संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट बताना है तो एक, एक से लेके 111 संख्याओं का यूनिट डिजिट अगर बताना है तो उसको हम एक फार्मूले से सोल्व करते हैं जो हम आगे जाके ये फॉर्मूला सीखेंगे फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू तो यहाँ पर ये संख्याएं कितनी हुई एक से लेके 111, कितनी संख्याएं आएंगी जीरो कट गया तो इसका मतलब कि 110 संख्याएं हैं 110 इन टू एक सौ दस प्लस एक एक सौ ग्यारह डिवाइड बाई दो तो ये कितना आएगा पाँच पाँच और पाँच की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करो आप तो आपका आंसर पाँच ही होगा इसका मतलब के आपका आंसर कितना है पाँच क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे हम द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्यासी बयासी तिरासी अप टू नवासी इक्यासी बयासी तिरासी और नवासी के गुणनफल का इकाई का अंक क्या है तो हमें क्या पूछा है उसने इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी नवासी तक संख्याओं का गुणनफल क्या है अब अगर हम यहाँ देखें क्या आप ये देख पा रहे हो कि इस संख्या में पचासी आएगा और पचासी के अंदर कितना है पाँच इसमें बयासी भी आ रहा है बयासी का मतलब क्या है इसका यूनिट डिजिट है दो तो जब पाँच को दो से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा जीरो और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर कितना आएगा जीरो ही होगा समझ में आया है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर चार में कहता है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक सौ सतासठ इक्यासी और इन संख्याओं के गुणनफल का पूछा है तो कह रहा है कि एक सौ सतासठ इक्यासी इक्कीस सौ तिरासी चार सौ सतानवे आठ सौ उनतालीस दो सौ एक सौ ग्यारह एक जीरो तीन नौ दो सौ इक्यावन और पाँच सौ तिरसठ इनकी गुणा करके बतानी है अच्छा एक बात देखो देखो जो ये क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हमें कोई पैटर्न जरूर दिया होता है सोल्व करने के लिए तो हमें उस पैटर्न की ही पहचान करनी होती है अब आप कहोगे कि सर इसके पैटर्न की पहचान कैसे करें वो आप जैसे जैसे इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो अपने आप में पहचान में आने लगेंगी अगर यहाँ पर हम देखें कि ये जो संख्याएं हैं इसमें पाँच आ रहा है हमारा 235 सौ पैंतीस दैट इज उसके अंदर क्या है हमारा पाँच और पाँच को अगर मैं किसी ओड संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ ओड संख्या मतलब एक तीन पाँच जब आप इसको कभी भी मल्टीप्लाई करोगे पाँच एकम पाँच पाँच किए पंद्रह दैट इज यूनिट डिजिट पाँच पंजो पंजी पच्चीस दैट इज यूनिट डिजिट पाँच तो इसका मतलब कि पाँच को अगर ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा पाँच होगा पाँच को अगर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो दैट इज अगर दो चार जीरो कुछ भी जीरो भी एक इवन नंबर होता है तो पांच धोनी दस जीरो पाँच बीस जीरो पाँच जीरो 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 इसका मतलब पांच की संख्या मल्टीप्लाई अगर ओड नंबर से करते हो तो रिजल्ट होगा हमारा ओड और अगर पांच की मल्टीप्लाई ईवन नंबर से करते हो तो रिजल्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा जीरो अब यहां पर देखो पांच दे रखा है और ये सारी संख्याएं ओड नंबर्स हैं तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस का आंसर जो होगा उसका यूनिट डिजिट पांच होगा तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये 235 में पांच है जब इसकी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर पांच आएगा क्वेश्चन नंबर पांच देखेंगे हम कह रहे व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दो की पावर इक्यावन दो की पावर इक्यावन है और इसके हमें यूनिट डिजिट का आंसर बताना है तो दो की पावर इक्यावन इस बात का मतलब क्या हुआ इसका पैटर्न क्या था चार चार टर्म्स के बाद चेंज हो रहा था तो उसको चार से जब भाग देंगे तो चार कम चार चार ती आठ तीन तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा रिमाइंडर बचेगा तीन अगर रिमाइंडर तीन है तो दो दुनी चार दुनी आठ तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका आठ तो आंसर कितना है हमारा एट क्वेश्चन नंबर छह देखेंगे द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर तीस की पावर उनतीस अट्ठाईस क्या कह रहा है वो संख्या तीस की पावर उनतीस अट्ठाईस का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या है अच्छा यहां से अगर हम चेक करें तीस को हम क्या लिख सकते हैं तीस को हम लिख सकते हैं तीन गुना दस की पावर उनतीस अट्ठाईस इसका मतलब है तीन की पावर उनतीस अट्ठाईस और यहाँ से दस की पावर उनतीस अट्ठाईस दस की पावर कितनी भी हो उसका रिजल्ट क्या आएगा जीरो ही होगा तो इसका मतलब कि तीन की पावर आठ तीन की पावर आठ मतलब तीन का पैटर्न कौन सा होता है चार का पैटर्न होता है उसका तीन इसको जो है पहले हम चार से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है जीरो इसका मतलब चौथा अंक क्या होता है तीन या नौ ती सत्ताईस सात ती इक्कीस तो इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा एक इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है इसमें ये द डिजिट इन यूनिट प्लेस द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इक्कीस की पावर एक सौ सतासठ इंटू बयासी सौ सतासी की पावर एक सौ त्रेपन इनका गुणा करके बताना है इसका जो है यूनिट डिजिट क्या है तीन तीन की पावर कितनी है एक सौ सतासठ तीन का पैटर्न कौन सा था चार टर्म्स के बाद बदलता है तो चार से इसको अगर हम भाग देंगे तो चार चौके सोलह चार एकम चार रह गया बाकी तीन तो इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर कितना आता है हमारा इसका रिमाइंडर आता है हमारा तीन तीन का मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा तीन थी नौ थी सताइस दैट इज सात होगा इसका यूनिट डिजिट और इसका जो है सात की पावर तिरपन इसका भी पैटर्न चार के बाद चेंज होता है तो चार से जब भाग देंगे चार एकम चार एक चार के बारह एक तो इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर कितना है एक एक का मतलब क्या है सात एकम सात जब इनकी गुना करेंगे तो सत्तु सत्तु उनचा उनंचा का यूनिट डिजिट क्या है नो no. तो इसका मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा नाइन क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे हम कह रहे व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ दो की पावर तीन की पावर चार इंटू तीन की पावर चार की पावर पाँच इंटू चार की पावर पाँच की पावर छः इंटू पाँच की पावर छः की पावर सात इंटू छः की पावर सात की पावर आठ इंटू सात की पावर आठ की पावर नौ इंटू आठ की पावर नौ की पावर दस इनकी गुणा करनी है हमें अगर हम यहाँ से देखें यहाँ पर है दो और यहाँ है पाँच जब दो की पाँच के साथ गुना करेंगे तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा दस दैट इज़ इसका यूनिट डिजिट क्या है जीरो और जीरो को आप किसी भी संख्या से गुना करते रहो उसका आंसर कितना आएगा जीरो ही आएगा इसका मतलब कि हमें जो है जब वो बड़ी कैलकुलेशंस देता है तो हमें डरना नहीं है हमें उसके क्वेश्चंस की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें कोई ना कोई पैटर्न है उस पैटर्न की पहचान अपने आप ही होने लगेगी फिर हमें ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगेंगे आपने यहाँ पर हमने इतना सब कुछ लिखा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी आपने देखा दो पाँच आंसर जीरो हाँ जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे हम 217 की पावर 413, 819 की पावर पाँच 414 की पावर 624, 342 की पावर 812 तो अब यहाँ पर हमें कोई पैटर्न उसने नहीं दिया तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ देखें सात की पावर 413 सौ सात का पैटर्न कितने डिजिट का होता है चार टर्म्स का तो इसका मतलब कि से जब इसको भाग किया तो एक रिमाइंडर आता है तो सात की पावर एक कितना आएगा सात नौ का पैटर्न कितने दो टर्म्स का इसका मतलब नो और अगर इवन है तो कितना आएगा एक तो यहां पे क्या ओड है तो इसका मतलब नो चार का पैटर्न कितने डिजिट्स का होता है ये भी दो डिजिट्स का होता है अगर ओड नंबर है तो चार आएगा ईवन है तो छ आएगा तो यहाँ पे क्या है ईवन है तो यहाँ पे कितना आ गया छ का पैटर्न चार डिजिट्स का होता है तो इसका मतलब कि यहाँ पर बारह को चार से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचता है जीरो रिमाइंडर अगर जीरो बचता है तो इसका मतलब कि दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दैट इज छ अब अगर हम इसको सोल्व करें इसको सोल्व करने पे क्या आएगा सात में तिरसठ तिरसठ का यूनिट डिजिट क्या है तीन तीन छिके अठारह अठारह का यूनिट डिजिट आठ आठ छिके अड़तालीस अड़तालीस का यूनिट डिजिट आठ तो इसका मतलब कि आंसर कितना होगा आठ क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे हम कहता है द यूनिट डिजिट ऑफ एक सौ की पावर तेरह की होल पावर एक सौ की पावर तेरह सैतालीस इसका हमें आंसर निकालना है क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि एक सौ की पावर 13 इंटू सैतालीस इसका यही मतलब है अब एक सौ की पावर है एक सौ सैतीस मतलब के का पैट, कितने डिजिट नंबर्स का पैटर्न होता है इसमें? चार का तो इसका मतलब कि इसकी पावर को हम चार से भाग करेंगे जब हम इसको चार से भाग करेंगे तो चार को तेरह से तेरह को चार से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचा एक एक का मतलब इसका आंसर कितना होगा सात की पावर एक दैट इज सात होगा और सैतालीस को भाग किया चार से तो कितना आएगा चार एकम एक चार तीन बच गया तो इसकी रिमाइंडर कितना बचेगा तीन तो इसका मतलब कि जो इसका आंसर होगा तो उसमें क्या आएगा सत्तु शतु उनचा नौ इंटू सात तिरसठ दैट इज तीन तो सात तीय इक्कीस इक्कीस का यूनिट डिजिट क्या है एक तो आंसर क्या हुआ हमारा एक